तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अरवी की सब्ज़ी। और अरवी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले उसके छिलकों को अच्छी तरह से चक्कू की मदद से निकाल लिया और उसके बाद इस तरह से टुकड़ों में इसे कट कर लिया। दोस्तों, अरवी की सब्ज़ी की रेसिपी मैं बहुत ही अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, अरवी की सब्ज़ी बनाने से पहले हम अरवी को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम होने रख दिया है। मैंने यहाँ पे 5 से 6 बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा करके हम अरवी को फ्राई करके ले लेंगे दोस्तों, एक साथ सारा अरवी नहीं डालेंगे। और ये देखिए दोस्तों, अरवी को हमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। दोस्तों, जो भी सब्ज़ी को नहीं खाना पसंद करता है, यकीन मानिए वो भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। और तो ये देखिए दोस्तों, जब तक हम अरवी को फ्राई कर रहे हैं तब तक हम पेस्ट बना लेते हैं मसालों का। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, जिसे इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ढेर सारे लहसुन लिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में। और यहाँ पे मैंने कुछ अदरक के टुकड़े लिए हैं, करीब 1 से 1.5 इंच लिया था मैंने अदरक। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 लाल मिर्च ली है, इससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, लाल मिर्ची की वजह से पेस्ट का कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें इसमें ड्राई मसाले क्या क्या चाहिए। तो मुझे चाहिए करीब 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी, 2 बड़े चम्मच गरम मसाला, आप कोई भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है हींग, आप हींग ज़रूर ऐड करिएगा। तड़के के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक प्याज को इस तरह से बारीक कट करके ले लिया है। और यहाँ पे मैंने एक तेज़पत्ता लिया है और थोड़ा सा हम जीरा भी ऐड करेंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमें तड़के में ऐड करनी है। इसके अलावा हमें कोई भी खड़े मसाले तड़के में नहीं ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम सब्ज़ी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बचे हुए तेल में हम सब्ज़ी बनाएंगे। तेज़पत्ता, जीरा हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ। दोस्तों, प्याज को भी हमें अच्छी तरह से ब्राउन फ्राई कर लेना है, इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। जलना नहीं चाहिए दोस्तों, कोई भी मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, अरबी को हमें इतना ज़्यादा ही फ्राई करना है जिससे कि उसका जो चिपचिपापन होता है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग दोस्तों अरबी इसीलिए खाना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही चिपचिपासापन होता है। तो दोस्तों, आप इस तरह से अगर सब्ज़ी बनाएंगे तो जो लोग नहीं खाते हैं अरबी, वो भी आपकी बहुत तारीफ़ करते हुए इस सब्ज़ी को खाएंगे। और अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम अरबी से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो आप इसी तरह से उन्हें सब्ज़ी बनाकर खिलाइए, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने अरबी की सब्ज़ी खाई है। यहाँ पे प्याज हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो मैं इसमें अब जो हमारे पिसे हुए मसाले हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देती हूँ। एक साथ मसालों को न ऐड करिए, धीरे धीरे हम डालेंगे क्योंकि तेल जो है वो ऊपर आता है। सावधानी के साथ हमें गीले मसालों को ऐड करना चाहिए। और यहाँ पे मैं मसालों को बस जार में से क्लीन करके थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड करूँगी, जिससे हमारे मसाले भी बहुत अच्छे से भुन जाए और जलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, करीब 2 छोटे चम्मच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सब्ज़ी में ऐड करने जा रही हूँ बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर। दोस्तों, कच्चे टमाटर आप ग्रेवी में ना ऐड करिए, इससे हमारी ग्रेवी जो है वो खट्टी हो जाती है। तो आप हमेशा इस तरह के लाल लाल टमाटर को ही यूज़ करिए ग्रेवी वगैरह में। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे मसाले का क्या हाल है। तो ये देखिए दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं कि मसालों का कलर बहुत ही लाजवाब है और इसमें से खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और यहाँ पे अब हम टमाटर को भी बहुत ही अच्छी तरह से मसालों में हम भून लेंगे दोस्तों। और टमाटर ऐड करते हैं तभी हमें नमक को भी ऐड कर देना चाहिए, मसाले में भी हमें नमक ऐड करना चाहिए। अगर आप टमाटर नहीं ऐड कर रहे हैं और मसाला भून रहे हैं तो भी हमें टमाटर को, नमक को ऐड करना चाहिए, इससे हमारे सब्ज़ी का कलर और टेस्ट दोनों भी बहुत बढ़ता है। नमक भी डालने का एक अपना, बोलते हैं ना, एक सही टाइम होता है, तो वो मसाले के साथ ही होता है दोस्तों। तो चलिए, हम टमाटर के पिघलने का अब इंतज़ार करते हैं।
और अब मैंने अरवी को भी मसालों के साथ मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ये अरवी मसालों में मिक्स हो गया है। तो हमें 2 से 5 मिनट इसे भी मसालों के साथ भूनना है ताकि मसालों और नमक का टेस्ट अरवी में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ी थिक ग्रेवी रखना चाहती हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है या आपको ग्रेवी थोड़ी पतली पसंद है तो आप पानी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे करीब 1/2 कप के करीब पानी ऐड किया है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे बहुत अच्छी तरह से एक उबाल आने के लिए। तो जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता, यानी कि बॉईल नहीं आ जाता, तब तक हम इसे ढक के पका लेंगे और अरवी भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी जब तक। वाह, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी में उबाल आ गया है। तो यहाँ पे हम फ्रेश हरे हरे धनिए बारीक कट करके उसे भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हरे धनिए का स्वाद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे गैस बंद करने के बाद भी डाल सकते हैं और ढक्कन लगा दीजिए, इससे भी धनिए का स्वाद सब्जी में आ जाता है बहुत अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इतनी मेहनत से ये सब्जी को बनाया है तो थोड़ा सा डेकोरेशन तो बनता है। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना मेरी न्यू रेसिपीज़ आपको कैसे मिलेंगी। आप मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंजॉय करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, बाय।